तो मैं आपका हक अदा कर रहा हूं, आपकी जानिब से हुकूमतों को भी पैगाम पहुंचा रहा हूं। आइए सबसे पहले मैं आपको पैगाम देते हुए यह कहूंगा कि मेरे यारों, सबसे पहले दिमागों में इस बात को बिठा लो कि मेरे आपा की, हमारे नबी की, हमारे प्यारे महबूब की शान ऐसी है, शान ऐसी है कि एक बात दिमाग में बिठा लो कि पूरी दुनिया मिलकर भी नबी की शान में गुस्ताखी करने पर उधर आए तो रक्ती बराबर भी मेरे नबी की शान में कभी नहीं आ सकती। मेरे रब ने मेरे नबी के बारे में क्या कहा? क्यों हमारे रब ने महबूब के बारे में क्या कहा? अलम नशरह लक सदरक ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك। और कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ने कहा, ओ हुकूमत हिंद सुन ले, ओ दुनिया के तमाम जालिमों सुन लो, हमारे नबी के बारे में रब ने क्या कहा? ورفعنا لك ذكرك के ऐ मोहम्मद, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे यार सुन ले, पूरी दुनिया में कर भी अगर तेरी शान में गुस्ताखी करने पर उतर आएगी तो रफ़अना लक ज़िक्र, हमने तेरे जिक्र को, तेरे नाम को इतना बुलंद कर दिया कि उसकी अदना सी मिसाल मैं आपको दूं कि शायद दुनिया में कोई सेकंड ऐसा नहीं होता कि जब जब हवाओं में, फजाओं में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम अज़ान की शक्ल में बुलंद ना होता हो। लोनावाला में अभी मगरिब हुई और ईशा की तैयारी हो रही होगी, कई जगहों पर फिर ईशा की तैयारी हो रही होगी। सब शौक ये इशारा कर रहा हूं, ये किसकी, ये कह रहा हूं और सादे अंदाज में इसलिए कह रहा हूं कि मेरे हिंदू भाई भी मेरी बात को बड़ी तादाद में सुनते हैं, तो मैं मेरे हिंदू भाइयों को भी और हुकूमत को भी ये पैगाम सुना रहा हूं और आपको ये पैगाम दे रहा हूं कि कोई टेंशन भी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। कितने भी शैतान आए और मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, रब की बराबर मेरे नबी की शान में कभी नहीं आने वाली, क्योंकि मेरे रब ने, हमारे रब ने उस महबूब याद के बारे में कहा कि वरफअना लक ज़िक्र, ऐ मोहम्मद हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। अब कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जहां अजान ना हो रही हो और जहां ये ना कहा जा रहा हो अल्लाह के नाम के साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हर लम्हा मेरे नबी की शान में कोई फर्क नहीं आने वाला। और मैं तो उन शैतानों से कहता हूं कि कभी थोड़ा सा मुंह ऊपर करके चांद पर थूक कर तो देखो, नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूं कि थोड़ा सा चेहरा ऊपर करके चांद पर थूक कर तो देखो, थूक कहां आएगा? अरे बोलो। हाँ, और एक बात मैं बिल्कुल आसान स्टाइल में आपको समझा रहा हूं। भैया हमारा तो मामला यह है मौलाना, जितना ये शरारत करते जाते हैं हमारा फायदा होता जाता है। अल्लाह कहता है ये चाल चलते हैं, ये मंसूबे बनाते हैं, ये साजिशें करते हैं, ये प्लान बनाते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है ये नहीं जानते कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सबसे बेहतरीन प्लान बनाने वाला प्लानर मंसूबा साज, बोलो जोर से कौन है? अब इन्होंने प्लान बनाए तो कुछ और हो गया, और कुछ और, जिनको नहीं जगाना था उनको भी जगा दिए, नहीं समझा? जिनको नहीं जगाना था उनको भी जगा दिया। और फिर मैंने परसों मैंने एक जुमला बोला जो इनको बड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि जनाब आपने किसी और को जगाते जगाते किसी और को जगा दिया, और मैंने कहा अभी तो उन्होंने अरबों ने अंगड़ाई ली है, अभी उठे नहीं है, नहीं समझा? अभी क्या नहीं हुए, उठे नहीं है, अभी तो आंखें मसल रही हैं, और उधर आंखें मसल रहे हैं तो इधर 56 इंच का सीना पार्टी में से निकालने का आपका फेंक रहा है। ओ शेख निकाल रहा हूं इनको, नाराज मत होना,
याद रखो, ये इसलिए कह रहा कि मेरे जवानों तुमको बदलाया जाएगा, तुमको जज्बात में लाकर रोल पर लाया जाएगा। और आज भी मैंने पूरे हिंदुस्तान में यह पैगाम दिया कि जज्बात में आकर रोपे नहीं आना, इनका तो मंसूबा ही यही है। मैं सियासी लीडर भी हूं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं, दूसरा मुद्दा कोई नहीं कहेगा कि जज्बात में लाया जाएगा, बुलगलाया जाएगा, पड़काया जाएगा, गुस्सा जलाया जाएगा, रोड पर लाया जाएगा। और फिर हमारी कौम क्या करती है, गुस्से में रोड पर आती है और फेंकती क्या, पत्थर, बोलना पत्थर, और खाती क्या, गोलियां गोलियां। तो मेरा एक मशहूर डायलॉग है, क्या डायलॉग है मेरा, कौम के जवानों से मैं कहता हूं कि पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बावले चाले बंद करो, समझ गए, पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बेवकूफी के धंधे बंद करो। अरे बोलो, बंद करो। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि जैसे अल्लाह ने कहा कि ये चाल चलेंगे, ये मंसूबे बनाएंगे, ये प्लान करेंगे, अल्लाह इनके प्लानों को फेल करेगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन मंसूबा साथ और प्लानर अल्लाह है। अल्लाह है बोलकर आपको, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, थोड़ा सा ध्यान करो, मैं आपको हिम्मत भी दिला रहा हूं और आपको टेंशन मुक्त भी कर रहा हूं। क्या करो, टेंशन मुक्त, क्योंकि ये उम्र टेंशन में है ना, मायूस हो गई है। कोई मायूस होने की जरूरत नहीं। अल्लाह कहता है ला तक़नतु रहमतिल्लाह, ओ मेरे बंदो मेरी रहमत से मायूस मत होना। मायूसी कुफ्र है, और हमारे उलमा हमारे अकाबिरीन की जबान से अक्सर हमने एक जुमला सुना है कि ईमान वाला वो होता है, ईमान वाला वो होता है जो हालात से कभी खौफ ज़दा नहीं होता। अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक सिर्फ रब से मजबूत करो। और यारो मेरे भाइयों, सिर्फ इतना जुमला समझ लो कि अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक रब से मजबूत करो। फिर देखो कि अल्लाह ताला इनके सारे प्लान को इनके सामने फेल करता रहेगा, और इनके मंसूबे जब नाकाम होंगे तो ये तिलमिलाते और तिलमिलाते रहेंगे। हल्की सी मिसाल देख लो, आपका दिल भी खुश हो जाएगा। एकदम अलग स्टाइल में मैं आपको समझाऊंगा कि देखो 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 देखो, अभी 2 साल तक के मस्जिदें बनती बनती ना, बड़े बुरे हालात थे। तरावी पढ़ने का मसला था, जुमा पढ़ने का मसला था, मस्जिदें बनती। ओ मेरे भाइयों, ये आप जो समझते हैं ना, ये हमारे दिमाग में है कि कोरोना इसका गेम उसका गेम चाइना ने लाया, किसने नहीं लाया। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि दरख्त का पत्ता भी बोलो खुदा के हुक्म के बगैर, अरे बोलो जोर से, खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। तो दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिलता, तो इतनी बड़ी दुनिया खुदा की मर्जी के बगैर लॉकडाउन हो सकती है। अरे बोलो, कोई चाइना का गेम नहीं, कोई इंडियन हुकूमत का गेम नहीं। मुसलमानों, अल्लाह हमसे नाराज था, अल्लाह हमसे नाराज था, और इतना नाराज था कि उसने गुजरात की मस्जिदें नहीं, भारत की मस्जिदें नहीं, सिर्फ अमेरिका या यूके या इंग्लैंड या फ्रांस या बांग्लादेश या नेपाल या पाकिस्तान की मस्जिदें नहीं। अल्लाह इतना नाराज था कि उसने अपने काबतुल्लाह, अपने बैतुल्लाह के दरवाजे भी हमारे लिए बंद कर दिया था। बताओ 2021 में कोई गया क्या कोरोना वायरस से, हज को गया था कोई 2020 में कोई गया नहीं गया। अल्लाह ने बंद करा दिया, कोई नहीं आ सकता। अल्लाह नाराज था, अल्लाह नाराज था। और आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ अपने रब को मनाने की कोशिश करो, अपने रब को मनाने की मेहनत ही करो, और अपना रब कैसे राजी होगा इसकी फिक्र करो। फिर देखो अल्लाह ताला शैतानों के सारे मंसूबों को, सारे प्लानिंग को फेल करेगा। बल्कि कोरोना से अब अजीब बात मैं आपको समझा रहा हूं, आपके दिमाग में अजीब बात बताता हुआ हूं।
कोरोना में देखो आप, कोरोना में कैसे मनसूबे फेल हुए। कोरोना में, चलो प्रैक्टिकल बता देता हूं, कोरोना में कैसे मनसूबे फेल हुए। मैं खुद भी 4-6 महीने बकायदा कोरोना पेशेंट को रहा, जिम्मेदारी निभाता रहा, खिदमत करता रहा। तो अब मीडिया वाला हूं, थोड़ी सी खबरें कवर करता था, तो 2-3 हिंदू मीडिया वाले मेरे दोस्तों ने मुझसे अजीब जुमला कहा, डरते डरते कहा, जब दूसरी लहर थी बड़ी खतरनाक और लोग बड़े खतरनाक मर रहे थे, लाशें बड़ी आ रही थी, तो हिंदू भाइयों ने डरते डरते साजिद साहब, मुफ्ती साहब, डरते डरते मुझसे एक सवाल पूछा, ताकि मुफ्ती साहब एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? ताकि मुफ्ती साहब तुम्हारे मुसलमान कम मर रहे हैं। क्या पूछा? कम मर रहे हैं, वजह क्या है? तुम्हारे साथ बोल लोगे, बर्दाश्त करोगे, लिखोगे अपने पेपर में? अब देखो मुसलमानों, में तुमको हौसला दे रहा हूं कि अपने रब से रिश्ता मजबूत करो। कोई प्लान कैसा भी करे, इंशाअल्लाह फेल अल्लाह करेगा। क्या फेल अल्लाह करेगा? तो अब वो हिंदू दोस्तों ने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब कोरोना में मुसलमानों की मौत कम हो रही है, क्या वजह है? तो मैंने अजीब उनको समझाया, क्योंकि अलग अलग स्टाइल में समझाना पड़ता है। तो मैंने कहा देखो, कोरोना में मुसलमानों की मौत कम हो रही है, तुम ये देख रहे हो और तुम कुछ सोचने पर मजबूर हो गए हो, तो उसकी वजह मैंने कहा कि ये है कि कोरोना पूरी दुनिया में घूम रहा था, उसको किसी ने नहीं छेड़ा। कोरोना इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, मक्का गया, मदीना गया, पूरी दुनिया में गया, किसी ने छेड़खानी नहीं की। लेकिन तुमको शरारत और शैतानी सूझती है, हर चीज में तुम हमको बदनाम करते हो। तुमने छेड़खानी की कोरोना के साथ। मैंने कहा तुमने छेड़खानी ये की कि कोरोना जब हिंदुस्तान आया तो तुमने उसको दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा, कोरोना दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, वहां से टैक्सी पकड़ा, सीधा निजामुद्दीन गया, निजामुद्दीन में नमाज का वक्त था, वजू किया, वजू करके नमाज पढ़ा और वहां पर हजरत से मुलाकात हुई, कलमा पढ़ा, मुसलमान बन गया। और फिर तुम्हारे भूखने वालों ने भूखना शुरू कर दिया कि कोरोना कहां से आया, निजामुद्दीन से आया। तो मैंने कहा कोरोना को तुमने जबरदस्ती दिल्ली में उतारे और जबरदस्ती वहां से उसको काले कर गए। अरे कोरोना भाई, निजामुद्दीन तो कोरोना निजामुद्दीन जाके मुसलमान बन गया, तो जब वो हमारी बिरादरी का हो गया तो हमको क्यों मारेगा? अरे बोलो भाई, ऐसा जवाब देना पड़ता है, थोड़ा अलग अलग स्टाइल से समझाना पड़ता है। तुमने शरारत की ना, तुमने ईमान वालों को बदनाम, अरे बोलो, किया ना। और फिर मैंने और एक जुमला कह दिया, मैंने कहा कोरोना का हिंदुस्तान आने का मूल ही नहीं था। कुछ समझे? कोरोना का हिंदुस्तान आने का मूल नहीं था, लेकिन क्यों आया ये भी सुन लो। आपने भी अभी तक नहीं सुना होगा, मेरी बात ही बताया डायरेक्ट। कोरोना का हिंदुस्तान आने का मूल नहीं था। मैंने कहा कि कोरोना हिंदुस्तान इसलिए आया कि 1 साल तक मुसलमान धरना दे रहा था। अब देखो क्या समझा रहा हूं, समझ लेना। 1 साल तक मुसलमान एनआरसी को लेकर धरने दे रहा था। तुम कह रहे थे कि मुल्क से निकाल कर रहेंगे, मुसलमान धरने देते हुए कहता था नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। 1 साल तक मुसलमान चिल्लाता रहा, मुसलमानों के बच्चों की मौतें हुई, क्यों? कई जगह फसादात हुए, मुसलमान चिल्लाता था कि हम यहाँ के हैं, नहीं जाएंगे। और तुम कहते थे कि हम निकाल कर रहेंगे, आखिर तुमने हमारी नहीं मानी, तो अल्लाह ने हिंदुस्तान में कोरोना को भेज दिया। कहते भैया फिर कोरोना के आने से क्या हुआ मालूम आपको? कोरोना के आने से यह हुआ कि जो हुकूमत हमको मुल्क से निकालने की बातें कर रही थी, कोरोना के आते ही हमारे मोबाइलों में घुस घुस कर ये कहने लगी कृपया अपने घरों में रहे। सच्ची बात है कि कृपया अपने घरों में रहे, मुल्क छोड़ना तो बहुत दूर की बात, अपने घरों में रहे, खुद भी सुरक्षित रहे, हमें भी। ये हंसने की बात नहीं, मैं आपको हंसते हंसते कुछ बड़ी बात समझा रहा हूं।
मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तुम अपना ईमान से भी मजबूत कर रहे हो, अपना रिश्ता, अपने ताल्लुक, अपने रब से जोड़ो, फिर देखो अल्लाह इनके हर पलान को फेल करेगा। आज इनके शैतानों ने नबी की शान में गुस्ताखी की, हुआ ये कि आज पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया जाग गई, और आज हमने हिंदुस्तान को भी खबरदार किया कि देखो 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 सुनो सुनो, हमारा नबी से इश्क ऐसा है, हमारा नबी से प्यार ऐसा है कि तुमने हमारी मौत लिंचिंग की, हमें मारा काटा, अलग अलग नाम पर हमको निशाना बनाया, दंगे फसाद करवाए, हमारी दुकानों मकानों को आग लगाया, हमने सब बर्दाश्त किया, तुमने हमारी मस्जिदों पर कब्जा किया, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन हुकूमत हिंद से भी हमने कहा कि सुन ले नबी से हमारा इश्क ऐसा है कि तुम हमारे टुकड़े कर दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी दुकानों मकानों को आग लगा दो हमने बर्दाश्त किया बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी की शान में रुख की बराबर गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं। और अच्छे से समझ में आ गया, हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, अरबी में आ गया, नहीं समझा, अच्छी बात है, हिंदी नहीं समझ में आ रही थी, अरे भाई क्या नहीं समझ में आ रही थी, हिंदी नहीं समझ में आ रही थी, अल्लाह या अभी नहीं समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा, अल्लाह या अभी नहीं, खलास समझ में आ गया। फिर मैंने एक जुमला और कह दिया, ऐसा कहते रहता हूं मैं, मैंने एक जुमला और कह दिया कि कमाल है यार तेरा, रब से नहीं डरा अरब से डरा, किससे नहीं डरा, रब से नहीं डरा अरब से डरा, अरब से डरा। तो मैंने कहा सुन, ये अरब वाले रब को मानने वाले हैं, रब से डरना सीख जा तू भी खैरियत से रहेगा और पूरी दुनिया खैरियत से रहेगी। और हम चाहते हैं कि इस प्यारे मुल्क में जैसे इस प्यारे मुल्क को हमारे उलमाए किराम ने सजाया संवारा कुर्बानियां दी, मुसलमानों इस बात को भी समझ लो कि यहाँ पर हमको एहसास से कमतरी का शिकार भी नहीं होना है, इस मुल्क को बचाने के खातिर इतनी कुर्बानियां हमारे अकादरीन ने, हमारे उलमाए, हमारे दौर ने दिए है। सुन लो एक जुमला, इतनी कुर्बानियां दी है कि तारीख ने हिस्ट्री में लिखा है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर कराची की सड़कों तक कोई दरख्त, कोई पेड़, कोई झाड़ ऐसा बाकी नहीं था कि जहां पर उलमा की लाशें न लगती हो, इतनी कुर्बानियां दी है। और आज भी हम इस मुल्क में अमन लाना चाहते हैं, और बस अब आज से कुछ अपीले करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्यों यार ये इतनी बड़ी तादाद में जवान यहां पर जमा है, मैं जवानों से बिल्कुल मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे जवानों इस बात को समझ लो कि आज नबी नबी की तौहीन की जा रही है, तो हमको अल्फाजों से भी इनका जवाब देने की जरूरत नहीं, हम ये चाहते हैं और आपको ये पैगाम देते हैं कि अपनी जिंदगी में नबी की अदाएं, नबी की सुन्नतें लाओ, प्रैक्टिकली तौर पर ऐसे बन जाओ कि अगर तुम सड़कों से गुजरे तो हमारा भाई रमेश, हमारा भाई प्रकाश, हमारा भाई गणेश, वो तुमको हमको देखकर ये कहने लगे कि ये कोई मोहम्मद का फैन जा रहा है। कौन जा रहा है? अपने आप को सजाओ, अपने चेहरों को सुन्नत रसूल से सजाओ, अपना लिबास, अपना ड्रेस स्टाइल, अपना हेयर स्टाइल, अपना वॉकिंग स्टाइल, अपना टॉकिंग स्टाइल, चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, व्यवहार, कारोबार, बिजनेस, लेन देन, उसके सुलूक, अखलाक ऐसे अपनाओ कि आपको देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये कोई मोहम्मद का फैन है, मोहम्मद का गुलाम है। हमको अखलाक से जवाब देना पड़ेगा मुफ्ती साहब, हमको किरदार से जवाब देना पड़ेगा, और अल्लाह का शुक्र है, देखो आप कि हमने किरदार से जवाब दिया कोरोना के मौके पर। ये जितने जवान बैठे हैं इसमें से कई लोग ऐसे होंगे कि कोरोना के मौके पर जब दूसरी कौमें इतना डर रही थी क्योंकि ईमान वाला मौत से नहीं डरता, ईमान वाले का ईमान है कि जिंदगी मौत से अल्लाह के हाथ में है, दूसरी कौमें इतना डर रही थी मौत से कि मां मर गई, बाप मर गया तो लाश को हाथ लगाने को तैयार न थी, लेकिन मेरे जवानों
ऐसे मौके पर तुमने हिंदू भाइयों की लाशों को शमशान तक पहुंचाया, ऐसे मौके पर तुमने हॉस्पिटल जाकर मरीजों को जात और धर्म के बगैर खाना खिलाया, उनकी सेवा की, उनकी खिदमत की। उसका नतीजा ये निकला कि एनआरसी के टाइम पर जो एक साल तक के तुम्हारे खिलाफ नफरतें बढ़ गई थी, अल्लाह ने कोरोना भेजकर ये भी काम करवाया कि जैसे ही तुमने कोरोना के मौके पर हिंदू भाइयों की खिदमत की तो अल्लाह ने शैतानों के बड़े बड़े नापाक प्लान फेल कर दिया। मैं आपको इशारा कर रहा हूं, बाद में घर जाकर सोचते बैठना कि क्या बोलूं कर गया। आपको नहीं मालूम, क्योंकि अगर ये समझाने जाऊं तो आधा घंटा लगेगा। अल्लाह ने आपके